तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द मेंबर्स। और आज का जो हमारा एजुकेशन स्लॉट है दैट वी विल बी कंडक्टिंग ऑन स्पेसिफिक, ये जो हमारी बिजनेस एक्सचेंज जो स्क्रिप्ट है, जो स्लॉट होता है, मेरा आज का समझाने का ये पर्पस है कि मतलब स्पेसिफिकली आई कैन एक्सप्लेन इन डिटेल कि किस तरीके से इसे कंडक्ट किया जाता है, ताकि मेंबर्स को जो भी कंफ्यूजन हो रहा है इस स्लॉट में अनाउंस करने के लिए, तो उनका सारा कंफ्यूजन दूर हो एंड दे कैन हैव द क्लैरिटी, एज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लॉट ऑफ नेटवर्किंग, बिकॉज हम संपर्क में हैं, तो वी आर हियर टू ग्रो आर बिजनेस थ्रू नेटवर्किंग। सो इसी तरीके से हमारा ये जो बिजनेस एक्सचेंज जो स्क्रिप्ट है, ये जो स्लॉट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरा ये पर्पस रहेगा कि सभी मेंबर्स को इसके लिए प्रॉपर क्लैरिटी आ जाए एंड एट द एंड ऑफ द सेशन वी कैन टेक द क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द ग्रीटिंग, एंड जिस तरीके से द मीटिंग इज मॉर्निंग, तो गुड इवनिंग संपर्क, एंड इवन आई कैन ऐड कि आपको जो संपर्क भी आप बोल रहे हैं, तो अगर आप जस्ट वर्क के मेंबर हैं तो आप वो भी ऐड करते हैं, तो दैट विल बी मोर प्रेफरेबल। सो यू हैव टू स्टार्ट विद ग्रीटिंग, एंड इफ यू विश टू ऐड एनी विश, तो आप कुछ विश भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ। एंड ये जो बिजनेस एक्सचेंज जो स्क्रिप्ट है, ये दिस इज डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स। फर्स्ट इज समरी, सेकेंड इज रेफरेंस, थर्ड इज थैंक यू नोट्स एंड टेस्टिमोनियल्स, एंड लास्ट में वी विश ऑल द विजिटर्स। सो फ्रेंड्स, ये जो समरी वाला पार्ट है, इस पार्ट में वी जस्ट हैव टू पुट द नंबर्स ऑफ वॉट एवर थिंग्स वी हैव डन इन लास्ट 15 डेज। लाइक आपके पास कितने रेफरल्स हैं, कितने थैंक यू नोट्स हैं, कितना टेस्टिमोनियल है, एंड आपने कितने 1-to-1 किए हैं लास्ट 15 डेज में, एंड आपने मीटिंग में कितने विजिटर्स बुलाए हैं। तो इस समरी में जस्ट यू हैव टू पुट द नंबर्स। इट इज वेरी वेरी सिंपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टूडे आई हैव 3 रेफरल्स एंड 2 थैंक यू नोट्स, जितने भी आपके पास है, एक भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 थैंक यू नोट्स, 2 टेस्टिमोनियल्स, एंड आई डिड 5 1-to-1 इन लास्ट 2 वीक्स, एंड आई हैव इनवाइटेड 2 विजिटर्स टूडे। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल इन दिस। और इसमें ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि ये सारे कॉलम जो है, सारे सेक्शन आपके फिल होंगे। जो भी आपने इस 15 डेज में जो नेटवर्किंग में किया है, आपको वो उसमें फिल करना है। बट आई विल जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द मेंबर्स कि अगर आप रियली नेटवर्किंग समझ पाएंगे, तो 15 दिन में ये सारी जो चीजें हैं, 1-to-1 करना, या आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट के लिए अपने संपर्क के मेंबर्स को कॉल करना, एंड साथ ही साथ आपको मतलब अगर कोई मेंबर्स के लिए रेफरल है, तो अगर थोड़ा सा अगर आप माइंडसेट बनाते हैं कि मुझे अपने मेंबर्स को ही बिजनेस दिलाना है संपर्क के मेंबर्स को, तो 100% आप देखेंगे हमारे चैप्टर में इतनी सारी बिजनेस कैटेगरीज हैं, तो आपको आपके लिए मतलब किसी ना किसी के लिए यू हैव रेफरल, तो आप उनके लिए रेफरल भी क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू मेक योर माइंडसेट। एंड साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब भी हमारी स्ट्रक्चर्ड मीट होती है, तो प्लीज आप विजिटर्स इनवाइट कीजिए, क्योंकि इसी तरीके से जब विजिटर्स आते हैं तो आगे वो मेंबर्स बनते हैं और हम अपने चैप्टर को साथ ही साथ संपर्क को ग्रो कर सकते हैं। तो सभी के नेटवर्क में कम से कम 500 लोग हैं मैं जानती हूँ मिनिमम, तो फिर हमें मतलब ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स इनवाइट करना चाहिए। एज हमें भी संपर्क से बेनिफिट हो रहा है, तो मतलब ये हमें अपने कनेक्शंस में भी स्प्रेड करना है। सो समरी पार्ट में सिर्फ फ्रेंड्स मैं इतना कहना चाहूंगी, यू हैव टू जस्ट पुट नंबर्स। नाउ वी कम टू द रेफरल्स पार्ट। तो रेफरल्स का जो पार्ट है, इसमें आपको किसी के लिए रेफरल है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कैलाश जी के लिए कोई रेफरल है, और मैं अपने किसी मेंबर फ्रेंड से कनेक्ट करना चाहती हूँ, तो हियर आई विल से कनेक्टिंग कैलाश जी, पहले उनका नाम, मेंबर का नाम, कनेक्टिंग कैलाश जी टू, फिर जो मेंबर है आप XYZ जिनसे कनेक्ट कराना चाहते हैं, जैसे कनेक्टिंग कैलाश जी टू जगदीश सुगन, और फिर उनका आपको बिजनेस भी मेंशन करना है, लाइक कनेक्टिंग कैलाश जी टू जगदीश सुगन ऑफ एटमॉस्फेयर हाईवे हैंगआउट। इस तरीके से
आपको जो अपना रेफरल है वो अनाउंस करना है आपके मेंबर के लिए। सबसे पहले अपने जो वर्क के मेंबर का नाम अनाउंस करना है, उसके बाद आपको उनसे जिनसे आपको कनेक्ट करना है उस पर्सन का नाम और साथ ही साथ उनका बिजनेस भी मेंशन करना है। सो दिस इज रेफरल्स। तो ये ऐसा इसमें हमने तीन कॉलम दिए हैं, तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही रेफरल हो सकता आपके पास तीन रेफरल हो, पांच रेफरल हो। तो मतलब आप जैसे कैलाश जी को कनेक्ट कराना चाहते हैं या मुझे किसी से कनेक्ट कराना चाहते हैं, तो उसी तरीके से आपको मेंबर्स का नाम फिल करना है फर्स्ट कॉलम में, एंड सेकेंड कॉलम में यू हैव टू फिल दैट मेंबर नेम जिनसे आप कनेक्ट कराना चाहते हैं, साथ ही साथ उनका बिजनेस भी मेंशन करना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट रेफरेंस। लाइक मैं एक एग्जाम्पल मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं। इफ आई हैव रेफरल फॉर हार्दिक जी, तो फिर लाइक कनेक्टिंग हार्दिक जी टू करीना मोतियानी जी ऑफ पिंक पेटल्स, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको मेंबर्स का नाम पहले डालना है, साथ ही साथ जिनसे कनेक्ट कराना चाहते हैं उनका नाम और बिजनेस कैटेगरी। इट्स वेरी सिंपल। एंड जब आपको मेंबर्स के लिए सेल्फ रेफरल, मतलब आप जब उनको कुछ बिजनेस देना चाहते हैं, तो फिर आप उसमें वो आता है सेल्फ रेफरल। और जैसे आई हैव सेल्फ रेफरल, जैसे मुझे कैलाश जी से कुछ काम है या हार्दिक जी से या स्नेहाशीष जी से कुछ भी रिक्वायरमेंट है, या तो आई हैव सेल्फ रेफरल फॉर कैलाश जी, संजय नाथ जी, हार्दिक जी एंड स्नेहाशीष जी। तो इसी तरीके से एट अ स्ट्रेच आप जिन जिन के लिए आपको जिनसे कनेक्ट होना है, जिनको मतलब बिजनेस देना चाहते हैं, वट एवर यू हैव द रिक्वायरमेंट, तो सेल्फ रेफरल में जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हम इस तरीके से सेल्फ रेफरल में बोलते हैं, आई हैव सेल्फ रेफरल फॉर दिस पर्सन, ऐसा है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द रेफरल पार्ट। एंड नाउ वी कम टू थैंक यू नोट। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द थैंक यू नोट इज अबाउट इनसाइड बिजनेस। इनसाइड बिजनेस ये होता है कि जो हम एक दूसरे को मेंबर, एक दूसरे जो चैप्टर के मेंबर से एक दूसरे को बिजनेस दिलाते हैं। जैसे अगर आपको अपने चैप्टर के मेंबर से ही बिजनेस मिला है, तो फिर दैट इज इनसाइड बिजनेस। जैसे मुझे रविकांत जी से बिजनेस मिला है, तो थैंक्स टू रविकांत वसानी जी ऑफ इनसाइड बिजनेस ऑफ 5,000 रुपीज। तो इसी तरीके से ये इनसाइड बिजनेस हो गया जो आपको अपने चैप्टर के मेंबर से मिला है। इसी तरीके से जैसे आपको ये अपने चैप्टर के मेंबर से मिला है, तो ये भी हो सकता है कि आपको दूसरे चैप्टर के मेंबर से भी मिला हो वर्धमान संपर्क को छोड़ के, तो उसमें यू हैव टू अनाउंस जो मेंबर का नाम है XYZ। जैसे थैंक्स टू करीना मोतियानी फॉर इनसाइड बिजनेस ऑफ 5,000 रुपीज एंड शी इज द मेंबर ऑफ महाराणा प्रताप वर्ग, या इस तरीके से भी अनाउंस कर सकते हैं थैंक्स टू करीना मोतियानी जी ऑफ महाराणा प्रताप वर्ग फॉर इनसाइड बिजनेस ऑफ 5,000 रुपीज। तो दिस इज फ्रेंड्स, दिस वॉज द स्पेसिफिकेशन ऑफ इनसाइड बिजनेस बिटवीन मेंबर टू मेंबर, जो मेंबर एक दूसरे को देते हैं। सो नाउ वी कम टू द आउटसाइड बिजनेस। आउटसाइड बिजनेस ये होता है कि जो हमारा चैप्टर का मेंबर है वो हमको किसी XYZ पर्सन से हमको कनेक्ट कराता है, अपने फ्रेंड से या नेट कॉन्टैक्ट में जिससे भी कनेक्ट कराता है, और हमको अगर उससे बिजनेस मिलता है तो हमको किस तरीके से वो अनाउंस करना है इन प्रॉपरली, लाइक थैंक्स टू हार्दिक जी फॉर आउटसाइड बिजनेस फ्रॉम मिस्टर समीर साहू जी ऑफ, उनका फिर बिजनेस का नाम ऑफ सो एंड सो एंटरप्राइजेस ऑफ ₹20,000। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आउटसाइड बिजनेस। थैंक्स टू जो हमारे चैप्टर के मेंबर का नाम है वो आप पहले फिल करेंगे, और उसके बाद वो मेंबर ने आपको जिस मेंबर से बिजनेस दिलाया है अपने कॉन्टैक्ट में, उनका नाम उनके बिजनेस के साथ, जब जब आप बिजनेस भी उनका मेंशन करते हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि क्या हो सकता है कि हमारे चैप्टर में और भी मेंबर्स हैं, अगर उनको उनसे कनेक्ट करना हो, तो फिर दैट इज ऑल्सो गुड पॉइंट कि सभी मेंबर्स उनसे कनेक्ट कर सकते हैं या बिजनेस ले सकते हैं। इसीलिए हमेशा हम जब मेंशन करते हैं किसी बाहर वाले मेंबर का नाम, तो उनके बिजनेस के साथ मेंशन करते हैं। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ आउटसाइड बिजनेस। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ आउटसाइड बिजनेस का, लाइक थैंक्स टू स्नेहाशीष जी फॉर आउटसाइड बिजनेस ऑफ 5,000 रुपीज ऑफ ऑफ दैट योगा सेंटर ऑफ दैट
योगा सेंटर जैसे हो गया, मैंने एक एग्जाम्पल किया है इस तरीके से, एंड उसका मेंशन करना है हाउ मच अमाउंट। तो इस तरीके से यू हैव टू पुट द आउटसाइड बिजनेस का इस कॉलम में। देन इट कम्स टू द थर्ड सेक्शन, दैट इज ट्रीट योर बिजनेस। ट्रीट योर बिजनेस मतलब ये होता है फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, मतलब आपके मेंबर ने अपने फ्रेंड से उनको बिजनेस दिलाया और फिर उनको आपको आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अच्छी लगी, समझ में आया, उनको एक्सपीरियंस अच्छा लगा, तो उस मेंबर ने अपने कोई और कनेक्ट के थ्रू आपको बिजनेस दिलाया, तो दैट इज फ्रेंड ऑफ फ्रेंड। उसको थ्री टीयर भी बोलते हैं, स्पिन ऑफ रेफरल भी बोलते हैं। तो उसको हम इस तरीके से अनाउंस करेंगे, थैंक्स टू नेहा धकाते जी फॉर थ्री टीयर बिजनेस ऑफ तो एंड सो रुपीज ऑफ 5,000 रुपीज फ्रॉम दिस मेंबर ऑफ दिस बिजनेस। तो उनका मेंबर का नाम और बिजनेस और साथ ही साथ वो अमाउंट और अपने मेंबर का नाम, ये हमें इसमें पुट करना है। सिर्फ इसमें मेरा ये पर्पस है कि आपको क्लैरिटी आ जाए कि व्हाट इज इनसाइड बिजनेस इज गिविंग मेंबर टू मेंबर, जो अमाउंट होता है आउटसाइड बिजनेस इज जो मेंबर आपको अपने कॉन्टेक्ट से बिजनेस दिलाता है, एंड थ्री टीयर या स्पिन ऑफ रेफरल इज फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, जो मेंबर अपने फ्रेंड से कनेक्ट कराता है और वो जो फ्रेंड जो उनका कॉन्टेक्ट पर्सन है वो अपने किसी दूसरे कनेक्ट मेंबर से एक्स वाई जी पर्सन से आपको बिजनेस दिलाता है, तो दैट इज थ्री टीयर। एंड फिर एट द एंड टोटल बिजनेस, इन सब का जो कैलकुलेशन है, टोटल बिजनेस ऑफ 30,000 रुपीज रिसीव फ्रॉम संपर्क मेंबर्स, तो इस तरीके से आपको पोर्ट्रे करना है। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल द मेंबर्स, एंड देन वी कम टू द टेस्टिमोनियल पार्ट। फ्रेंड्स, आप जिस भी मेंबर से आपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ली हैं, तो फिर आपका जो भी एक्सपीरियंस है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अ गेस्चर कि आप उस मेंबर की सर्विसेज के लिए फीडबैक और टेस्टिमोनियल दें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो इस तरीके से उन्हें भी विजिबिलिटी मिलती है, साथ ही उनसे भी लोग कनेक्ट होंगे। सो आप इसमें सिंपली ये भी फ्रेम, आप उनके लिए कुछ रिटर्न, कुछ पॉजिटिव, कुछ मैसेज भी लिख के लेके आ सकते हैं टेस्टिमोनियल वे में। और हम लोग तो वैसे फिजिकल मीट में हम कुछ फ्रेम या कुछ गिफ्ट एनीथिंग हम टेस्टिमोनियल वे में वो भी प्रेजेंट करते थे, तो एटलीस्ट हियर यू कैन गिव द रिटर्न टेस्टिमोनियल। आई हैव रिटर्न टेस्टिमोनियल फॉर स्नेहाशीष जी फॉर हिज एक्सीलेंट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। और साथ ही साथ आपको जो भी मैसेज एक ऐड करना है, दैट विल बी रियली गुड फ्रॉम योर साइड कि आप कुछ एक पॉजिटिव मैसेज ऐड करके उनके लिए बोल रहे हैं, तो इस तरीके से वो मेंबर्स की जो सर्विसेज हैं वो सभी मेंबर्स को ये विजिबिलिटी मतलब पता चलता है कि इस मेंबर की ये सर्विसेज हैं और इनका ये एक्सपीरियंस हुआ है। सो दिस वॉज द टेस्टिमोनियल पार्ट फ्रेंड्स, एंड लास्ट यू हैव टू जस्ट विजिट ग्रीट ऑल द विजिटर्स जो है। वंस अगेन आई वेलकम ऑल द विजिटर्स फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग, थैंक्स एवरीवन। तो फ्रेंड्स, ये एक बेसिक और बहुत ही सिंपल एजुकेशन स्लॉट था जो मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया क्लैरिटी लाने के लिए। नाउ इफ आई विल आस्क एनी ऑफ द मेंबर की जो विलिंगली अपना माइक अनम्यूट करके इसमें कुछ वॉलेंट्री इसको अगर अनाउंस करना चाहेंगे, नहीं तो फिर हमारा जो बिजनेस एक्सचेंज और स्क्रिप्ट है जिसमें हम अनाउंस करते हैं तो वो भी अनाउंस कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कोई भी मेंबर इसको वॉलेंट्री एक बार अनाउंस कर सकता है, एंड इफ एनी ऑफ द क्वेश्चंस यू आर हैविंग आप अभी पूछ सकते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग संपर्क, टुडे आई हैव वन रेफरल, आई एम कनेक्टिंग मिस्टर मिस अनीता देकाटे टू सुनील वासवानी, थैंक यू, थैंक यू। या फाइन, जैसे अभी हार्दिक जी के पास सिर्फ एक रेफरल था तो उन्होंने वो अनाउंस किया, लेकिन अगर हमारे पास थैंक यू नोट्स भी हो सकते हैं, रेफरल्स भी हो सकते हैं, किसी के लिए टेस्टिमोनियल भी हो सकता है, और वैसे भी हम बोलते हैं कि सभी से आपको वन टू वन करना है, तो आपके पास वन टू वन का भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है। तो उसी तरीके से यू हैव टू गो विद द समरी, फर्स्ट आपको वो समरी अनाउंस करनी है, उसके बाद फिर रेफरल्स, थैंक यू नोट्स, टेस्टिमोनियल्स, एंड देन ग्रीटिंग द विजिटर्स। So I think if it is clear, so we can move to the business exchange slot in a proper way, each and member can announce. Yeah, thank you. Yes.
तो फ्रेंड्स आई विल अनाउंस, फ्रेंड्स आई हैव टू रेफरल्स एंड वन थैंक यू नोट एंड आई डिड टू वन टू वन इन लास्ट टू वीक्स एंड आई हैव इनवाइटेड, चलिए मैं एग्जांपल में बोलती, आई हैव इनवाइटेड वन विजिटर टुडे. टू रेफरल्स में आई कैन से कनेक्टिंग नेहा जी टू जगदीश सुगंध जी ऑफ हाईवे हैंग आउट एंड कनेक्टिंग हार्दिक जी टू राजा खान ऑफ प्लाईवुड कंस्ट्रक्शन कंपनी. सो इस तरीके से आपको मेंबर्स को जिनके साथ कनेक्ट करना है उसका फिल करना है. देन आई हैव सेल्फ रेफरल फॉर नेहा जी, शिरल जी, वीना जी एंड यू कैन कनेक्ट टू मी आफ्टर द मीटिंग. या एंड आई हैव थैंक यू नोट फॉर रविकांत वसानी जी ऑफ इनसाइड बिजनेस ऑफ 5000 एंड थैंक्स टू धर्मेंद्र वर्मा जी ऑफ शिवाजी संपर्क फॉर इनसाइड बिजनेस ऑफ 2000 रुपीज एंड टोटल बिजनेस फ्रॉम संपर्क इज 7000. या एंड आई वंस अगेन वेलकम ऑल द विजिटर्स फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग. थैंक यू. So friends, this was the example and the entire slot. I think if everybody is clear, agar kuch question answers nahi hai, so we can move to further slot. And I would request all the members ki isi tarike se hame business exchange jo slot hai, humko isi format mein hi script padhni hai. It's a humble request from my side to all my dear members. Thank you. वीना जी, शिरिल जी, अंकिता जी, आप में से कोई डमी एग्जांपल लेके ये ट्राई करना चाहेगा ये स्क्रिप्ट, क्योंकि थोड़ा सा क्लियरिटी और बढ़ जाएगी सारे मेंबर्स के लिए. वीना जी, शिरिल जी और अंकिता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? Maybe वो सर नहीं होंगे फोन के पास. आई थिंक दे माइट बी अवे. यस यस ओके. और कोई ट्राई करना चाहेगा ये एग्जांपल आप मेंबर्स में से? ओके रीता, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लॉट. जी जी थैंक यू ऑल द मेंबर्स. यस फ्रेंड्स, ये हमारा जो ड्राइव चल रहा था जिसमें हम सभी में हमने सभी मेंबर्स से हेलो या रिकॉर्डिंग कैला जी स्टॉप करनी है. या सॉरी मैम, एक्चुअली नेटवर्क